हजारों अभ्यर्थी इस समस्या के कारण परेशान हो गए हैं। अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि उनका पेमेंट फंस जा रहा है और फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दो दो बार, तीन तीन बार, कुछ अभ्यर्थी तो चार चार बार पेमेंट कर दिए। इसलिए बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि पेमेंट जो फंस जा रहा है या फॉर्म भरने में और जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि जो अभ्यर्थी अभी परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के फॉर्म भरने में कुछ समस्याएं आ रही है। हजारों अभ्यर्थी इस समस्या के कारण परेशान हो गए हैं। अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि उनका पेमेंट फंस जा रहा है और फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दो दो बार, तीन तीन बार, कुछ अभ्यर्थी तो चार चार बार पेमेंट कर दिए लेकिन उनका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट फंस गया और वो आगे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। 9 साल के बाद बीएसएससी द्वारा इंटर स्तरीय बहाली आई है। लाखों अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और अभी फॉर्म भरने में जो समस्या आ रही है तो इस समस्या की वजह से फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। तो हम बीएसएससी से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि लाखों अभ्यर्थी जो 9 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो फॉर्म भरने से वंचित ना रहें। इसलिए बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि पेमेंट जो फंस जा रहा है या फॉर्म भरने में और जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि जो अभ्यर्थी अभी परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो सके और वो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए फॉर्म भरने के बाद अच्छी से तैयारी कर सके और वो मानसिक रूप से अपने आप को परेशान महसूस न करे। इसलिए जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और साथ ही बीएसएससी से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि इस बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली में पूरी तरह पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि अभी तक बीएसएससी द्वारा जो परीक्षाएं हो रही है उसमें न तो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाती है परीक्षा बाद, न ही परीक्षा के बाद क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, न आंसर की जारी होता है, न कटअप और न ही मार्क्स बताया जाता है। इसलिए हम बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप पूरी पारदर्शिता के साथ द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली को पूरा कीजिए और एक तय समय सीमा के अंदर इस बहाली को पूरा कीजिए। 10 से 12 महीने यानी 1 साल के अंदर इस बहाली को पूरा कर दीजिए। अगर हो सके, संभव हो तो 8-9 महीना में पूरा कर दीजिए, लेकिन 1 साल से अधिक नहीं जाना चाहिए ये बहाली, क्योंकि इसमें पीटी के बाद फिर मुख्य परीक्षा होनी है, टाइपिंग होनी है, तो इसलिए थोड़ा समय इसमें लगेगा। हम भी समझ सकते हैं इस बात को, अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये बहाली पूरी हो जानी चाहिए। इस बात का भी बीएसएससी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो बहाली आई थी उस वो 8 साल के बाद वो बहाली पूरी हुई, तो वैसा हश्र इस बहाली का न हो, इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ 1 साल के अंदर द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली को पूरा किया जाए और इसमें परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए और परीक्षा में जो भी व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा की जाती है उन सारी व्यवस्थाओं को बीएसएससी के द्वारा भी किया जाए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक की जैसी समस्याएं ना आए और किसी भी तरह से धांधली सेटिंग की बातें ना हो। इसलिए बीपीएससी के द्वारा जो भी व्यवस्था अपनाई जाती है परीक्षा कराने के लिए उन सारी व्यवस्थाओं को बीएसएससी भी लागू करें। हम बीएसएससी से ये आग्रह कर रहे हैं और अभी जो समस्या आ रही है फॉर्म भरने में कि पेमेंट फंस जा रहा है या और भी जो समस्या है, उन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें बीएसएससी। हम यही बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।